एक्सपीरियंस बिल्कुल एकदम वल्ला वल्ला जैसे ही था, और बहुत ही अच्छे लेवल पे हमने इसे शूट किया है। एंड गाने की स्केल आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब बॉलीवुड सॉन्ग, और इतना अच्छा हुक स्टेप है, इतनी अच्छी कोरियोग्राफी है, इतना अच्छा डायरेक्शन है, इतनी अच्छी म्यूजिक है, और ईशान भाई ने इतना अच्छे से गाया है। एंड नो डाउट जन्नत द ब्यूटी, और हम दोनों से फीचर कर रहे हैं, डेफिनेटली ये गाना एक तरह से देखा जाए बहुत अच्छा है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू महेश भैया डेफिनेटली, बिकॉज उन्होंने इस चीज़ को बनाना बनाया है। सो एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं इस गाने का पार्ट हूँ, और ये गाना वाकई सबको बहुत पसंद आ रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। जी, आप कुछ कहेंगे इस हाँ गाने को जी, लेकर? पहले तो हम बहुत खुश हैं, बिकॉज इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स है, और हमने जितने प्यार से और जितनी मेहनत करके ये गाना बनाया है वो बिल्कुल उस तरह से दिख रहा है, और इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है सब लोगों का। और हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है इसमें, हमने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं किया था, तो काफ़ी डिफरेंट है जो हमने आज से पहले किया है उससे। अगर आप मेरा लुक भी देखेंगे, आप डांस भी देखेंगे, हर एक चीज़। और हम पिछले आई थिंक जब से हमने गाना शूट किया तब से इतनी बार वल्ला वल्ला सुन रहे हैं, इतने सारे वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन हम बोर ही नहीं हुए इस गाने से। एक ऐसी बात होती है, अगर आप गाने को थोड़ी ज़्यादा बार सुन लो तो कान पक जाते हैं कि बस करो, लेकिन वल्ला वल्ला में वो बात है कि आप कितनी भी बार सुन लें आपका और सुनने का मन करेगा। एंड जैसे सिद्धार्थ ने कहा कि ईशान ने बहुत अच्छे से गाया, सिद्धार्थ का डांस बहुत अमेजिंग था, आपने देखा होगा कितनी पूरा मेहनत, डांस और कर जबकि दिया उसके पैर में चोट भी मैंने। लगी थी तब। और महेश भैया तो नहीं, हमारे फेवरेट हैं, इतने प्यार से उन्होंने बनवाया है और इतना ख्याल रखा है हमारा, तो वे वेरी हैप्पी दैट इट्स कम आउट। आगे आने वाले भी मेरे इन लोगों के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। हम लोग के म्यूजिक वीडियो इसलिए नहीं है कि वो 100 मिलियन या 200 मिलियन हो जाए, मेरी दौड़ वो नहीं। मेरी है कि मेरे अगर 1 मिलियन लोग भी देख रहे हैं तो उनको कंटेंट पसंद आना चाहिए, हमने कुछ अच्छा बनाया। म्यूजिक वीडियो ये बॉलीवुड का मूवी का सॉन्ग है, ये म्यूजिक वीडियो में इस तरीके के सॉन्ग्स नहीं होते हैं। अगर आप किसी भी चैनल की अगर देखेंगे, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि कोई और चैनल नहीं, हम लोग बेटर अपना वर्क करना चाह रहे हैं कि हम लोग रोज, हम लोग अगर शूट भी कर लेते हैं ना गाने को और बेस्ट कैसा कर सकते हैं, हम लोग यही सोचते रहते हैं। और सिद्धार्थ में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि सिद्धार्थ डिस्टर्ब करते रहता है। तो मेरी पहले एक रिहर्सल हुई थी देखने के लिए कि मैं कैसे डांस करती हूँ। उसके बाद हमने 2 दिन प्रैक्टिस की, और फिर जो तीसरा दिन था हमने प्रॉपर टेक्निकल रिहर्सल किया, और उसके बाद हमने डायरेक्टली शूट किया। लेकिन ये गाने की जो प्लानिंग है ये काफ़ी महीनों से चल रही है। हम कितना पहले से शूट करना चाह रहे थे, बट बिकॉज उस टाइम पे रिस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन महेश भैया बहुत पर्टिकुलर थे कि उन्हें इतने डांसर्स चाहिए, उन्हें इतना क्राउड चाहिए ही चाहिए, तो हमारा गाना डिले हो गया, बिकॉज उस टाइम पे हम इतने सारे लोगों के साथ गाना नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हमने वेट किया और फिर फाइनली शूट किया। ये गाने से, सॉरी हाँ सॉरी बन सकती, गाने से रिलेटेड ये गाना कहना है, गाना बहुत टाइम पहले जब ईशान मुझे जब नया नया मिला था ये टैलेंट, इसने मेरे को तब फर्स्ट टाइम में सुनाया था ये सॉन्ग, तब मे भी कंप्लीट नहीं था। इसने खुद लिरिक्स किए हैं, खुद कंपोज किया है, खुद सिंग किया है। मेरे ख्याल से मुझे 3 साल पहले मिला था ये फर्स्ट, 3 साल हो गए। तब ये जब मुझे मिला था तो उस टाइम वो गाना ना, एक हम लोग बड़ी सेलिब्रिटी का नाम नहीं लेना चाहता, उनके यहाँ गए थे तो ये गाना उन्होंने रख लिया कि ये मेरी मूवी के लिए ब्लॉक कर दो। फिर सिद्धार्थ मुझे मिला, सिद्धार्थ ने गाना सुना, सिद्धार्थ बोला ये गाना तो मुझे करना है, बोले ये गाना आप किसी सेलिब्रिटी को नहीं दे सकते, मैं खुद एक सेलिब्रिटी हूँ, बोले। अरे अरे कुछ नहीं बोला मैंने, इतना बोला भैया ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड देन भैया जैसे मैंने बोला कि पूरा क्रेडिट भैया पे जाता है कि उन्होंने शायद मुझ में कुछ देखा, उन्होंने देखा कि हाँ एक स्पार्क है नहीं, गाने में एक स्पार्क है, वो जब 2 स्पार्क मिलेंगे तो एक अच्छा था थंडर होगा। नहीं ऐसा था, ये गाने में डांस भी चाहिए था, तो सिद्धार्थ से बेटर डांसर मुझे कोई लगता नहीं कि मुझे मिल सकता था। और बड़े सेलिब्रिटीज तो बड़े ही हैं, खैर उनसे क्या करना है, हम लोग अपना वर्क करते हैं। तो कैसा है, ये बहुत इजी भी है और इसमें ना वाइब भी है, मतलब आप जैसे आप नॉर्मल क्लब में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, इवन शादियों में भी जब गाना बजता है कोई भी, तो आप सबसे पहले वो हुक स्टेप ही करते हैं, लेकिन वो हुक स्टेप आप तभी करते हैं जब वो ईजी होता है और दिखने में अच्छा लगे। तो जैसे ही हम लोगों ने कि हमने बोला ये तो बहुत अच्छा स्टेप है, एंड देन हम लोग इजीली सीख भी गए ये हुक स्टेप। मेरे लिए टफेस्ट पार्ट वो था जो जितने भी बीट्स थे वो सब सीखते सीखते में टाइम लगा, और फिर मुझे चोट भी लग गई, तो थोड़ा सा रिहर्सल में कहीं ना कहीं मेरा गैप आ गया था, बट समाओ किसी तरह मैनेज करके सारी चीज़ें अच्छी हो गई, और हुक स्टेप भी हमारा अच्छा निकल के आ गया। सो वी ऑल आर वेरी हैप्पी कि जो हम चाहते थे वो हमने अचीव किया। वेल मोस्टली बहुत से लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं अलादीन वाला वाइब भी दे रहा हूँ, बिकॉज सेट का जो वाइब है और लाइट्स हैं सारी चीज़ों अलादीन जैसी है। सो और अलादीन मैंने किया भी हुआ है, तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि अलादीन और जफर का कॉम्बिनेशन लग रहा हूँ। एंड सो या आई एम रियली हैप्पी कि जैसा भी हो रणवीर सिंह अगर मुझे बोला जा रहा हो, डेफिनेटली आई एम रियली हैप्पी, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। देखिए मेरे पास शब्द नहीं है, जब ये सॉन्ग मैंने लिखा था तब मैं MP में था, और
लाइट चली गई थी वहाँ पे, और मैं बैठा था फोन पे कुछ तो कर रहा था, तो एक हुक था मेरे पास वल्ला वल्ला, तो वल्ला वल्ला का जो वाह है वहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों की जो वाह मिल रही है तो ये मेरे लिए काफी है, इसको मैं शब्द से तो नहीं बयां कर सकता। आई होप कैसा लगा आप लोगों को गाना सुन के ये तो बता दीजिए। बस अच्छा बहुत आपने अच्छा है देखा यार, थोड़ा या सा नहीं शाउट देखा? होना चाहिए ना यार, सीटें वीटें बजने चाहिए, बस इतना ही काफी है मेरे लिए कि लोगों तक यहाँ तक पहुँच गया गाना, थैंक्स टू महेश भैया, और इतनी प्यारी कास्ट मिली है कि इस जो सॉन्ग को नेक्स्ट लेवल तक जो ले गए सारी टीम, सारी बी लाइव म्यूजिक की टीम है, और काफी अच्छा दिन पे दिन हम लोग भी अच्छे होते जा रहे हैं और वर्क अच्छा करते जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे गाने देखने को मिलेंगे ठीक है, और काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है गाइस, बस इतना ही कहना चाहूंगा, समय का सही यूज करिए बस। और इनमें से कई सारे लोग हैं जो कई आर्टिस्ट होंगे, किन्हीं को लिखने का शौक होगा, किसी को कुछ का शौक होगा, तो उसे जरूर पूरा कीजिए और कुछ ना कुछ लिखते रहिए, आप लोगों की बहुत जरूरत है इंडस्ट्री को। Thank you.